लंदन में ना बहुत ठंडी पड़ती है, मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूं। लंदन में बहुत ठंडी पड़ती है, एक बूढ़ा मजदूर था, भीख मांगता था, गुजारा करता था। एक दिन रात को एक सेठ आ रहा था और उसने देखा कि बर्फ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी एक बूढ़ा मजदूर जो भीख मांगे गुजारा करता था, एक पतले कपड़े पहने हुए ठिठुराते हुए उस बर्फ में बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। ठंडी से पूरी एकदम उसकी बदन लहरा रही थी, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। वो सेठ उसके पास जाता है और बोलता, माय डियर फ्रेंड, इतनी बड़ी ठंडी है, उसके बाद भी आपको ठंडी नहीं लग रही है? वो मुस्कुराता है, बोलता, भाई साहब मैं तो ऐसे ही रहता हूं। बोले, यार मैं हाथ बाहर निकाल रहा हूं, बिना ग्लव्स के हाथ जम जा रहे हैं, तू जी कैसे रहा है? बोला, मेरी आदत हो गई है। उसको देख के उस सेठ को बड़ी दया आ जाती है और सेठ बोलता है, यार तू टेंशन मत ले, तेरा गुजारा मैं करवाऊंगा, अभी मैं घर जाता हूं, तेरे लिए बढ़िया सा कंबल भेजता हूं। और वो खुश हो गया, सोचा, यार अब कंबल मिल जाएगा तो फिर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, मजे आ जाएंगे। सेठ ने वादा किया, गाड़ी पे बैठा, महज 1 किलोमीटर के अंदर सेठ का घर था। वो घर में चला गया, भूल गया सेठ कि उसने किसी गरीब इंसान को ठंड में ठुठराते हुए वादा किया था कि उसको एक कंबल भी देना है। सेठ गया, पार्टी उटी किया, भूल गया, रात को सो गया। सुबह जगते उसको एकाएक याद आई कि रात को एक मैं गरीब इंसान से मिला था और उसको मैंने कंबल देने का वादा किया था। बड़ा अफसोस हुआ उसको कि यार मैं उसके पास जाके कंबल नहीं दे पाया। घर से दौड़ते दौड़ते जो सबसे मोटा कंबल है लेके आता है और जब चौराहे पे जाता है, देखता है वो मजदूर किसान मर गया होता है। जबकि 20 साल से उसी तरीके से हर ठंडी को वो गुजार दिया करता था, लेकिन एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया, वो मर गया। नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, वो पर्ची उठाता है और उसमें लिखा होता है कि काश तूने कंबल न देने का वादा कर दिया होता, जैसे 20 साल ठंड गुजार दिया, एक दिन भी गुजार दिया होता। ये जो होप और आस होती है ना मेरे दोस्त, ये जो होप और आशाएं होती है ना, ये आशाएं देने के बाद अगर कोई पूरा ना करे तो बड़ा दर्द होता है। यस या नो? और हम मैक्सिमम उन गरीब तबकों को ज्वाइन कराते हैं, मिडिल क्लास लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अपर मिडिल क्लास लोगों को ज्वाइन कराते हैं, जो लोग अपने सपनों के साथ समझौता करके जिंदगी जी रहे होते हैं, और उन्हें हम एक आस दिलाते हैं, उनके सपनों को जगा के बोलते हैं, आ जा एसलीपीएस वेलनेस में, तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं रियल बताऊं, अगर उनके सपने पूरे ना हुए ना, तो शायद वो पहले जैसे थे उससे बड़ा दर्द उनको होगा, और ये पाप नेटवर्कर को बहुत लगता है। ये बात मैं समझ रहा था, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। मुझे भी लगा था यहाँ पे यार करियर नहीं बन सकता, यहाँ फालतू के लोग हैं। और उसी समय सन 2016 में, जून 2016 में मुझे स्लीपियस वेलनेस को देखने का मौका मिला। मैं ऊपर वाले से बोल रहा था कि भगवान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे जहाँ पे प्लेटफॉर्म एटलीस्ट सही हो, मैं लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और रही बात सिखाने की तो मैं जान लगा दूंगा और लोगों को सिखाऊंगा। और मेरे दोस्त, जून 2016 में इस बिजनेस एसलीपीएस वेलनेस जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई, आज लगभग 5 साल हुए, 5 साल के अंदर 8 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। 8 लाख लोग साथ जुड़े हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे, जो नॉर्मल जगह से बिलोंग किया करते थे, 5-10 हज़ार की नौकरी किया करते थे, उनको हमने इस बनारस की धरती से उठाया था, उनका साथ मिला था, काम की शुरुआत किए थे, आज पूरे वाराणसी के अंदर लगभग 35 करोड़पति बन चुके हैं। ये पावर है स्लीपियस वेलनेस। मैंने इस बिजनेस से कितना कमाया ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि आज मेरी टीम के अंदर 2500 से ज्यादा लोग हैं जो लखपति बन चुके हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज लगातार सक्सेस का कारवां बना हुआ है। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कैसे हो पाया, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? फ्रेंड, हमने कुछ नहीं किया, हमने वो एजुकेशन जो इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए चाहिए, वो एजुकेशन केवल लोगों के अंदर ट्रांसफर किया है। और मैं आपको भी बताना चाहूंगा, गुमराह मत हो, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है ना, तो आप सबको सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन। जो सीखेगा वही जीतेगा, वही इंसान आगे बढ़ेगा।
और जो नहीं सीखेगा, देखो शोर हल्ला गुल्ला से नेटवर्किंग पहले होता था। आपने सुना होगा कि एमएलए में गधे भी पजेरी खाते हैं, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुना है ना? अब नहीं खा सकते। अब गधे बन के अगर आप सोचो कि पजेरी खा लेंगे, अब नहीं हो सकता। 50 लोग मुंह फाड़ के फेसबुक पे चल रहे हैं, तुरंत टीम नीचे से खिसक के भग जाएगी। समझ मारे? अब तो पजेरी वही खाएगा जिसमें होगा दम। समझ मारे? जिसमें होगा दम वही बनेगा डायमंड, बाकी तो लटके रह जाएंगे। और उसके लिए हमें इस काम को सीखना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यह काम बड़ा टफ लगता होगा। कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता, क्या बात है। तो हर वीक में 100 SP क्यों नहीं डाल देते? अरे कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। हाँ जी, एक कहानी सुनाऊं? कहानी सुनाऊं? वाराणसी के अंदर एक बढ़िया इंसान था। ये कहानी उनके लिए जिन्होंने 100 SP नहीं निकालते और फिर भी हाथ नहीं उठाया, ये कहानी उनके लिए है। तो बनारस के अंदर वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। भाई सबकी हो जाती है, बड़ी बात थोड़ी है। 9 महीने पूरे हुए, डिलीवरी का वक्त आया और उसी समय जोरदार तरीके से पेन होना शुरू हुआ। वो जाता है दौड़ते हुए और डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर भी अपना पूरा अटैची उटैची जो पूरा सामान जिसमें रखता है, अटैची लेके पूरा आता है, अंदर घुसता है और अंदर खटपट की आवाज होनी शुरू हो जाती है। करीब 15 मिनट खटर खटर चलता रहा। डॉक्टर फिर झरोखा खोलता है, खिड़की से सर बाहर निकालता है, बोलता, भाई साहब हथौड़ी है। बोला, डॉक्टर साहब मेरी मैडम प्रेग्नेंट है, हथौड़ी किस लिए? बोला, है क्या? तो डॉक्टर तो जो मान दे देना पड़ता है। उसने हथौड़ी दिया, फिर गया, ठकाच आवाज आती रही। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आवाज आया, फिर थोड़ी देर में आवाज बंद हुआ। फिर डॉक्टर झरोखा खोलता है, सर बाहर निकालता है, बोला, आ रही है क्या? अब वो परेशान, बोला, डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो रहा है, कुछ और हो रहा है? बोला, आ रही है तो दो यार जल्दी। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, लीजिए भाई आ रही। फिर आ रही लेके अंदर गया, फिर खर खर 10 मिनट तक खर खर चलता रहा। अब वो बड़ा बेचैन, फिर परेशान। तब तक फिर डॉक्टर साहब झरोखे खोलते हैं और सर बाहर निकालते हैं, बोले, कुल्हाड़ी है क्या? अब ये झल्ला जाता है कुल्हाड़ी का नाम सुनते। बोला, डॉक्टर तू पहले बाहर आ, बच्चा बाद में होगा, पहले तू बाहर आ। बोला, यार जल्दी से कुल्हाड़ी दो। वो झल्लाया, बोला, तू बच्चा पैदा कर रहा है, कुछ और पैदा कर रहा है? बोला, कब खोलोगे दरवाजा? बोला, दरवाजा की बात छोड़, जो पेटी लेके आया था उसका ताला लॉक हो गया, पहले ताला तो खोल लूं। तो यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पेटी के ताला भी बंद है। तो डायमंड कैसे बनना है वो तो बाद में सिखाएंगे रवि जी, पहले दिन को सिखाना पड़ेगा उस पेटी का ताला खोलना कैसे है। आया ना? पहले वो ताला खोलना पड़ेगा। पता ही नहीं है किसी को कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बोला, डायमंड बनना चाहते हो? यस। तुम डायमंड नहीं बन पाओगे? यस। कम से कम सेशन में बैठे हैं तो दिमाग का ताला तो खोल के बैठना पड़ेगा। आया ना? यस या नो? माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान सक्सेसफुल पैदा नहीं होता, पैदा होने के बाद जो एजुकेशन मिलता है, जो परवरिश मिलती है,
वो ये बात डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं या नहीं होने वाले। आज हम जो भी हैं, आज आप जो भी हैं, जिस भी मेंटलिटी के साथ आज आप खड़े हैं प्रेजेंट के अंदर, आपको क्या लगता है वो मेंटलिटी आपकी है, वो आप हैं, ये रास्ता आपने खुद चुना है? नो। आज हमारा वर्तमान हमारे खानदान, हमारे मां बाप का दिया हुआ वर्तमान है, क्योंकि जब हम पैदा हुए, पले बढ़े, एजुकेशन की बात आई, तो हमारे मां बाप ने सरकारी स्कूल में हमें डाल दिया। कहां डाल दिया? तो स्लाइड वाले हमें देखते रहना। तो हम जहां भी आज पले बढ़े हैं, वो परिस्थितियां हमें ऐसा बनाई है, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमें क्या मां बाप ने सरकारी स्कूल में डाल दिया। हमें पैदा होते ये सोच डाला गया कि बेटा पढ़ो लिखो और, जोर से बोलना, पढ़ो लिखो और, पढ़ो लिखो और, इधर वाले पढ़ो लिखो और, यस। यही मेंटलिटी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ये मेंटलिटी डाला किसने? आपने या आपके मां बाप खानदान ने? राइट? तो आप गलत नहीं थे, आपकी परवरिश ही ऐसी हुई, छोटे स्कूल में मेंटलिटी ऐसी डाली गई जहां पैदा हुए थे। और पैदा होना किसके बस में था? ऊपर वाले के बस में, हमारे हाथ में नहीं था। यस या नो? मैं बोलता हूं कि अगर आपको पैदा एक रिच फैमिली में किया गया होता, अंबानी के घर में आपकी पैदाइश होती, अडानी के घर में आपकी पैदाइश होती, टाटा के यहां अगर आप पैदा हुए होते, तो मां बाप आपको पैदा होने के बाद पढ़ने लिखने समय क्या बोलते हैं? पढ़ो लिखो और कंपनी संभालो, मालिक बनो, इंप्लॉय हैंडल करो। यस या नो? यस या नो? तो हमारी मानसिकता किसने बनाया? दोनों जगह तो हम ही थे। तो सफल और असफल मानसिकता जो बनती है इंसान के जिंदगी में, वो बनता है परिवेश और परिस्थितियों की वजह से, जिन परिस्थितियों में आप पैदा हुए और पले बढ़े। समझ में आ रहा है? अब बहुत ध्यान से समझना क्या गेम हुआ है हमारे साथ। तो हम आज जिस मेंटलिटी को पकड़ के बैठे हुए हैं, जिस मेंटलिटी के साथ हम जी रहे हैं, वो मेंटलिटी हमारे बचपन से पनपी हुई चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन मेंटलिटी से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, इतने घिरे हुए हैं, उस मेंटलिटी से निकलना हमारे लिए आज के डेट में बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ताला खुल नहीं रहा है, चाहे कोई कितना भी ठोक रहा है, कितना भी आरी चला रहा है, लेकिन वो ताला किसी का खुल। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी जिंदगी में आया, एसलीपीएस वेलनेस आपकी जिंदगी में आया, और किसी ने बोला आपको कि भाई साहब यहां से तू करोड़ों रुपए कमा सकता है। ये क्या है? कोरे सपने वाली सच है। यस या नो? माइंड क्या बोल रहा है? तू नौकरी कर सकता है, तू 8-10 हजार रुपए कमा सकता है। और एसलीपीएस के लीडर क्या बोलते हैं? तू करोड़ों रुपए कमा सकता है। आप मुझे बताओ, दोनों मेंटलिटी में फर्क है या नहीं है? तो ये बात हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता हमारा माइंड ये बात कि ऐसा भी हो सकता है। और यही वजह है, मैंने पूछा था ना कितने लोगों को विश्वास है कि वो करोड़पति बनेंगे, 90% लोग हाथ ऊपर नहीं किए थे। ये हाथ इसलिए नहीं उठे थे क्योंकि आपके और इस बिजनेस की मेंटलिटी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है इन दोनों मेंटलिटी के अंदर। लेकिन मैं बताऊं मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर हर इंसान अपने आप को बदल सकता है। एक स्लाइड अभी दिखाएंगे आपको, हर इंसान अपने आप को बदल सकता है, हर इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है, अगर उसने अपने मेंटल स्टेटस, मेंटल सेटअप को सही कर दिया तो। कोई अंतर नहीं होता जो बड़े लोग हैं, जो सफल लोग हैं, और कोई अंतर नहीं होता जो आम लोग हैं। दोनों में केवल मेंटलिटी का डिफरेंस है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बड़े लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्या कमजोर लोग मेहनत नहीं करते हैं? रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता है? एक किसान मेहनत नहीं करता है? सोचो, जिस ठंडी में हम घर से बाहर, कंबल से बाहर तक नहीं निकलते, उस समय एक किसान एक पतला सा चादर ओढ़ के ठंडी में मेड़ को सजा रहा होता है, पानी पटा रहा होता है, और जानवरों को भगा रहा होता है। ये मेहनत नहीं है तो क्या है?